अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बन रहा है, जो कि बहुत ही इजी और क्विकली बन जाता है। तो आज हम बनाएंगे नमकीन पैनकेक। मीठे पैनकेक तो बनते हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं। तो आप लोग अगर दिल चाह रहा है कुछ अलग खाने का, तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है खाली बाउल, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक गिलास मिल्क। मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं या काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक अंडा मीडियम साइज का, और साथ ही हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। मैंने दो ले ली थी, इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया था। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया, जिससे टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आएगा पराठे के अंदर। और साथ ही 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, और साथ ही डाल देंगे 1 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड मिक्स से, ताकि हमारा अंडा और मिल्क जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है हमारी चीज़ों की। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा 1 कप के बराबर। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं, नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो ले सकते हैं आप। ये डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, डो बनाना स्टार्ट करेंगे। इसकी डो जो है ना लिक्विड डो बनेगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनेगी, पतली बनाइएगा। जितनी पतली होगी उतने पतले आपके पराठे बन के रेडी होंगे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, अगर आपको डो ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क 2 से 3 टेबल स्पून और डाल दीजिए, और इसको पतली कर लीजिए। जितनी पतली डो होगी ना उतने पतले हमारे पराठे बन के रेडी होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी से बनते हैं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। तो ये देखिए डो हमारी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। देखिए इतनी थिकनेस आप रखिएगा डो की, बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो ये देखिए हमने खाली पैन लिया, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी डो जो है वो चिपके नहीं। और अच्छे से ग्रीस करने के बाद ब्रशिंग कर लेंगे ऑयल की। देखिए अच्छे से ऑयल हमने ऑयलिंग कर ली है पैन में। अब हम डो डालना स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदे में तकरीबन आपके 4 पराठे बन के रेडी होंगे मीडियम साइज़ के। तो ये देखिए डो डालने के बाद आप इसी स्पून से इसको फैला लीजिए, गोल राउंड रोटी की शक्ल दे दीजिए। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, एक साइड से मीडियम फ्लेम पे आप रखिएगा फ्लेम को, तो इसको हम साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से पहले इसके कॉर्नर निकालिए, उसके बाद इसको पलट दीजिए दूसरे साइड पर। तो ये देखिए बहुत ही ईजिली निकल जाती है, हमने ग्रीस जो की थी ना उससे बहुत ही ईजिली देखे निकल कर आ गई है। लेकिन आपने इसे पकाना मीडियम फ्लेम पर, ताकि अंदर तक से कुक हो जाए, कच्ची नहीं रहे। तो ये देखिए अच्छे अच्छे से दबा दबा के आप आहिस्ता आहिस्ता से एक साइड से पकाइए। फिर उसके बाद इसमें ऑयल लगा दीजिए हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से सॉफ्ट सी पराठे बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए ऑयलिंग करने के बाद हम इस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे बहुत ही मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए जब खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो इसकी हम साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है हमारे पराठे के अंदर। अब हम इसे साइड चेंज करके दूसरे साइड से भी इसी तरीके से गोल्डन कलर जो है वो आने तक फ्राई करेंगे। इस साइड भी हम ऑयलिंग कर लेंगे हल्की हल्की सी, और इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, और इतने ही ज़्यादा मज़ेदार से ये बन के रेडी हुए थे। 4 मीडियम साइज़ के पराठे आपके बनकर रेडी हो जाएंगे 1 कप मैदे से, और बहुत ही इजीली। टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। एक मरतबा तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए दोनों साइड से बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे ही पराठे बना के रेडी कर देंगे। 4 पराठे हमारे बन के रेडी होंगे इस साइज़ के, और बहुत ही मज़ेदार से। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका करीब से भी लुक देखिए, कितने खूबसूरत से पराठे कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट से बन के रेडी हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे नमकीन
पैनकेक बनके रेडी है। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से निकल लूँ, कितना मज़ेदार सा और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी सहरी स्पेशल रेसिपी बन रही है, जो कि बनने में भी बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। सादा प्लेन पराठे तो आपने बनाए होंगे, लेकिन ये पराठा बनाइए आप। बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है बाउल, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप आटा। ग्राम में मेजर करें तो तकरीबन 250 ग्राम होगा ये आटा 2 कप के बराबर। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून ले लेंगे नमक और 1 टीस्पून के बराबर ले लेंगे हम चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, इससे बड़ा बैलेंस सा टेस्ट हो जाता है, मज़ेदार सा। और 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फिर पानी से सिंपली जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है उस तरीके से गूंद लीजिएगा। आप इस आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, फाइन आटा भी ले सकते हैं जो वाइट आटा होता है। मैं नॉर्मल आटे से बना रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं जिससे आपको आसानी हो या जो आप लोग खाते हैं। तो ये देखिए अब हम लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आटा सिंपली आटा हम गूंद लेंगे नॉर्मल सा, जिस तरीके से हम आटा घर में गूंदा जाता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और सिंपली आटा गूंद दीजिए। मैदे से बनाएंगे तो तब भी बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे पराठे बनके रेडी होंगे। ये आप फ्रोज़न करके रख सकते हैं, पहले से रात में बना के रख सकते हैं। अगर आपने सहरी में ये फ्राई करने हैं तो आप इसे बना के आराम से रख सकते हैं, सहरी में जल्दी जल्दी से फ्राई कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इसका टेस्ट था, आप लोग बना के एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से आटा को गूंद लिया है और इसको हम कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। देखिए ऊपर लगा दीजिए ऑयल या पानी लगा दीजिए ताकि ऊपर की सरफेस जो है ना वो ड्राई नहीं हो। साइड में रख देंगे आटा। अब हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं जो हमने फिलिंग करनी है। तो हमने ले लिए हरी प्याज, इसके हमने सिर्फ और सिर्फ पत्ते लेने हैं, प्याज नहीं लेनी है। और इसको हमने बिल्कुल बारीक फाइन सा चॉप कर लेना है। ये देखिए अच्छे तरीके से कम 4 to 5 टेबल स्पून हमें चाहिए होगी हरी प्याज, तो उसको हम बारीक सा कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी हरी प्याज जो है कट के रेडी हो गई है और ये हम प्लेट में रख देंगे। उसके साथ ही हम ले लेंगे 1 हरी मिर्चें। आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो 2 से 3 आप कर सकते हैं, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें तो हम 1 ले लेंगे। इसको भी हम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे, ये देखिए और ज़्यादा बारीक कर लेंगे इसको। ये देखिए हरी मिर्ची भी हमारी कट गई है, ये हम ऐड कर देंगे प्याज के अंदर ही। और अब साथ में ले लेंगे हम गार्लिक। गार्लिक पराठा बन रहा है तो गार्लिक तो लाजमी डलेगा। मैंने ले ली हैं 2 गार्लिक। आप अगर आपको ज़्यादा पसंद है, अगर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं आपके घर में, बड़ों के लिए बना रहे तो आप 3 तकरीबन डाल सकते हैं। मेरे घर में बच्चे हैं तो मैंने थोड़े से कम लिए थे ताकि फ्लेवर पता नहीं बच्चों को पसंद आए नहीं आए, तो आप 3 तकरीबन ले सकते हैं। उसको भी बारीक सा चॉप कर लीजिएगा। और ये देखिए ये भी हम उसी बाउल में डालेंगे, इसमें हमने हरी प्याज और हरी मिर्चें कट करके रखी हैं। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीक सा फाइन सा चॉप कर लीजिएगा आप। अब हमने ले लिया है हरा धनिया। हरा धनिया तकरीबन आधा गड्डी ले लीजिएगा आप। उसको मैंने वॉश कर लिया, वॉश लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसमें होती है मिट्टी, तो बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद आप कट कीजिएगा। इसको भी बारीक सा बिल्कुल चॉप कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा हरा धनिया भी हो गया है चॉप। इसको भी हम ऐड कर देंगे उसी बॉल के अंदर जिसमें हमने मिर्ची और हरी प्याज डाली है। ये देखिए सारी चीज़ें चॉप होकर आ गई हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चाय का चम्मच डाल देंगे नमक और 1 चाय का चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। हमारा ये हरा मसाला हो गया है रेडी, जो हम फिलिंग करेंगे पराठों के अंदर, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके का लुक आएगा। इस तरीके से आप पहले हरा मसाला बना के रख लीजिए, उसके बाद पराठे बनाने स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आया है इसका, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें लीजिएगा आप। ये हम रख देंगे साइड में। अब हमने जो आटा गूंद के रखा था इसको 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं,
अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। ये देखिए अच्छे से रेस्ट हो गया है आटा। अब हम इसे फ्लोर पे निकाल लेंगे और इसके इक्वल साइज़ के हम पेड़े ले लेंगे। इतने आटे में तकरीबन चार आपके पराठे बनके रेडी हो जाएंगे। तो चार हम इक्वल साइज़ के पेड़े जो रहे ना वो निकाल लेंगे। चार ही पेड़े निकल के निकलेंगे इस इतने आटे में, क्योंकि पराठे थोड़े से भारी होते हैं रोटी से। तो हम चार पेड़े इक्वल साइज़ के निकाल लेंगे। देखिए इस पर डालेंगे हल्की सी खुश्की और इसके हम बना लेंगे पेड़े गोल गोल। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए हमारा पेड़ा बन गया है। इसी तरीके से हम सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इक्वल साइज़ के हमने पेड़े बना लिए हैं और अब हम चलते हैं इसे बेलने की तरफ। एक पेड़ा लेंगे हम और इस पे लगाएंगे खुश्की और इसको अच्छे से रोटी जो है ना वो बेल देंगे। जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम बड़ा कर लेंगे बेल के, ताकि फिर इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए बड़ी सी आपने रोटी बना लेनी है सिंपली, जिस तरीके से रोटी बनती है उसी तरीके से बना लेनी है रोटी। ये देखिए हमारी रोटी बेल गई है तकरीबन। अब हम इसमें करेंगे फिलिंग, जो हमने हरा मसाला जो बना के रखा है। इस पर पहले लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल, जिस तरीके से पराठे में लगाया जाता है। 1 टी स्पून के बराबर लगा देंगे ऑयल या घी, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। अगर आप घी से बनाना चाहें तो घी से भी बना सकते हैं रेसिपी। और ये देखिए ग्रीन हरी प्याज वगैरह जो हमने काट के रखी थी वो हम ऐड कर देंगे अंदर। इसकी फिलिंग जो हमने बना के रखी है अच्छे तरीके से 2 से 3 टेबल स्पून आप ऐड कर दीजिए फिलिंग, और इसको अच्छे से फैला दीजिए हर जगह। फिर हम इसकी करेंगे पराठे की फोल्डिंग। ये देखिए जिस तरीके से हम चकोर पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम फोल्डिंग करेंगे। पहले एक हिस्सा उठा के रख देंगे, उसके ऊपर हम दूसरे साइड से पराठा उठा के रख देंगे, उसके बाद हम फोल्डिंग करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया गया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। नीचे से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और पूरे ही रोटी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जिससे बहुत ही खूबसूरत लच्छे बन के तैयार होंगे और बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पराठा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी फोल्डिंग हो गई है पराठे की। ये देखिए कितने अच्छे से लच्छे बन के रेडी होंगे। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखिए सेंटर में से हाथ रख के आप इसको दोनों से जो है मिला दीजिए, जो दोनों सिरे हैं ना वो एक दूसरे से मिला दीजिए, और इसका जो बीच वाला जो पार्ट है उसमें कट लगा दीजिए हाफ पेड़े में। ये देखिए सेंटर से आप कट लगा के इसको जब खोलेंगे ना तो ये देखिए इसके लच्छे नज़र आएंगे। इस तरीके से इसके लच्छे बन के रेडी होंगे और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा इसका लुक निकल कर आया है। ये देखिए इतना खूबसूरत हमारा पेड़ा बन के हो गया है रेडी गार्लिक पराठे का। इस तरीके से आप सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लीजिए। इस तरीके से पेड़ा बनाने से आपका जो पराठा होगा वो बहुत ही लच्छेदार बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होगा। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे ही पेड़े जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह इनका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए चारों पेड़े हमारे बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसको बेल के चलते हैं फ्राई करने की तरफ। सिंपली खुश्की का आटा लीजिए और इसको जिस तरीके से पराठा बेला जाता है उसी तरीके से बेल लीजिए। ये स्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसके आटे के अंदर भी ऑयल था और हमने अंदर भी ऑयल लगाया था। तो इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपने बेल लेना है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इस पराठे को मीडियम रखना है, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए कितनी आसानी से ये बेल जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी स्टिक हो रहा है तो आप इस पर खुश्की लगाइए और इसको पराठा बड़ा कर लीजिए बेल के। बहुत हल्के हाथ से बेल लेना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो बेलकर हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम चलेंगे इसे फ्राई करने की तरफ। पैन हमने रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए और इस पराठे को हम डाल देंगे अपने पैन में। देखिए जब एक साइड से बिल्कुल कलर चेंज होने लग जाए तो उसकी साइड हम चेंज कर देंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, साइड को हम चेंज करेंगे और इस पे डाल देंगे ऑयल और इसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से।
क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा फ्राई हो जाएगा ये। और बहुत ही देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आना स्टार्ट हो गया है। जब गोल्डन सा आपका पराठा बन जाए, ये देखिए इसके लच्छे कितने अच्छे से इसके लच्छे अभी से निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इसको अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी रखना है तो ज़्यादा देर तक फ्राई कीजिए ऑयल डाल के, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पराठा बनके हो गया है रेडी। इसी तरीके से आप सारे ही पराठे बना लीजिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए हमारे सारे ही पराठे बनकर हो गए हैं रेडी ही, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये पराठे। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारे गार्लिक पराठे सहरी टाइम के लिए हो गए हैं रेडी। रमज़ानों में आप सहरी में ये बना सकते हैं बहुत ही इजीली। फ्रेंड्स अगर आप मेरे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिले। किचन में बनाएंगे पोटैटो गार्लिक नान जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे, झटपट से रेडी हो जाएंगे। सभी को ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी लगेगी। फर्स्ट टाइम में भी आप परफेक्ट ये रेसिपी बना सकते हैं, ना ही ओवन की ज़रूरत है ना ही इन्हें बेक करने की ज़रूरत है। आज हम बनाएंगे तवे पे नान, वो भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं है, इतने कोई मज़ेदार से ये बन के रेडी होंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, इनको मैंने कर लिया है बॉईल। और फिर आपने इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है। अब इनको हम कर लेंगे ग्रेट, सारे ही आलू को ग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे आटे में डाल के गूंदना है। तो बहुत अच्छे से हमने बारीक वाला ग्रेट कर लीजिए या मोटा वाला, लेकिन इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से बहुत अच्छे से फाइन साइज से ग्रेट कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से सारे ही आलू हमारे ग्रेट हो गए रेडी हो गए हैं। और ये देखिए कितने बारीक वाले से करना चाहते हैं आप ग्रेटर से तो बारीक वाले से कर लीजिए, ये हम रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक बाउल, इसके अंदर डाल देंगे 1/2 kg ऑल पर्पज़ फ्लार, मतलब मैदा ले लेंगे हम 1/2 kg। आप वाइट आटा भी ले सकते हैं, आप घर का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ये ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं। साथ में डाल देंगे 2 चाय के चम्मच डाल देंगे हम नमक, और साथ ही हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 tablespoon के बराबर, 1/2 खाने का चम्मच। कलौंजी भी डाल देंगे 1/2 tablespoon, 1/2 खाने का चम्मच। साथ ही डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, इससे बहुत अच्छे से फ्लफी से नान बन के रेडी होंगे। और ऑयल डाल देंगे 3 tablespoon, 3 खाने के चम्मच डाल देंगे हम तेल। आप घी भी डाल सकते हैं तेल की जगह, अगर आपके पास घी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1/2 cup दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही, फ्रेश दही होना चाहिए। और साथ ही हम 1/2 गड्ढी के बराबर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और जितने हमने आलू ग्रेट करे थे 3 बड़े साइज़ के, वो हम ऐड कर देंगे सारे ही मैदे के अंदर। अब इसे डाल के आपने क्या करना है कि हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे को और आलुओं को। और अगर जब हमें नीड लगेगी पानी की तो हम हल्का हल्का सा चीटा डाल के इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए पहले बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लेनी है, पानी बहुत ज़्यादा कम लगेगा इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, कम क्वांटिटी लगेगी पानी की, लेकिन आपने हल्का हल्का सा चीटा डाल के डालना है इसमें, वरना आपके आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपसे ये नान जो है अच्छे नहीं बनेंगे, संभलेंगे नहीं, क्योंकि ये आलू भी ना पानी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है, और जितना भी ड्राई आटा है ना वो आप निकाल निकाल के इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्सिंग करते जाइए, नीचे से ड्राई मैदा जो है वो निकालते जाइए। अब देखिए मुझे हल्की सी नीट लग रही है पानी की, तो मैं हल्का हल्का सा पानी इस तरीके से छीटा डाल डाल के डालूँगी और इसे जो है ना आटे की तरह सारे ही गूंद लूँगी, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं ना। नॉर्मल सी डो बनानी है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल सॉफ्ट सी नॉर्मल सी डो बना के रेडी कर लेनी है जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। देखिए और बहुत ही ज़्यादा मज़े के और फ्लफी और सॉफ्ट से ये बन के रेडी होते हैं नान। तो ये देखिए सारा ही आटा कंबाइंड हो गया, अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 से 2 tablespoon ऑयल और इसमें हल्की हल्की सी मुक्की लगा लेंगे आटे की तरह। अच्छा ये बहुत जल्दी से गुन जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार इस तरीके से कंबाइंड करने के बाद आप मुक्की लगाएंगे, वो भी हल्के हाथ से, और इसको एक जान करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए
इतना अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा हमारा गुना है, और इतने आटे में आपके 10 से 11 नान आराम से बन के रेडी होंगे नॉर्मल साइज़ के। तो ये देखिए इस तरीके से आपने करना है, और ग्रेट आपने आलू को लाजमी करना है, वरना इसमें अगर गुठली होगी तो आपके नान नहीं बनेंगे। फिर ये देखिए अब हम ऊपर से 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लगा के इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, वरना आलू जो है ना वो पानी छोड़ देंगे। अब देखिए आप इस तरीके से इनके पेड़े बना लीजिए, जिस तरीके से रोटी बनती है जितना पेड़ा रोटी को होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ा लेना है आपने, मोटा पेड़ा लेना है, और इस तरीके से देखिए बना लीजिए। मैं इसी तरीके से सारे ही पेड़े बना लूँगी, आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना लीजिए। इस पे ऑयल लगा हुआ है, और अगर आप खुश्का दाल के बनाना चाहते हैं तो खुश्का दाल के भी बना सकते हैं। देखिए खुश्की लिए आप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये हाथों में थोड़ा सा स्टिक होगा, और इस तरीके से सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लीजिए। 10 से 12 नान आराम से आपके बन जाएंगे नॉर्मल साइज़ के। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से सारे ही पेड़े बना के रेडी कर लूँगी। लास्ट पेड़ा भी हमारा बन के रेडी हो रहा है। इसी तरीके से मैंने सारे ही पेड़े बना लिए हैं। अब ये देखिए ये आप इसे रेस्ट नहीं देना है, इसे फौरन फौरन जो है आपने बना लेना है। ये देखिए पेड़े हमारे बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके पेड़े बेलते जाएंगे, और फौरन से फौरन हम रोटी बनाते जाएंगे। जिस तरीके से रोटी बनती है इस तरीके से आपने इसे तवे पर ही सेकना है। तो ये देखिए खुश्की डालिए, और इसको हल्के हाथ से आपने बेल लेना है, मीडियम साइज़ का, ना ही बड़ा बेलना है ना ही छोटा। जिस तरीके से नान होता है ना जिस साइज़ का, उस साइज़ का बिल्कुल हल्के हाथ से आपने बेलना है, वरना ये फट जाएंगे आपसे, संभलेंगे नहीं। तो ये देखिए बहुत हल्के हाथ से मैंने इसे नान जो है वो बेल लिए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे, देखिए कितने स्मूथ से बने हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, और इक्वल आपने सारे सबका साइज़ ही इक्वल रखना है। अब ये उठा के हम डालेंगे तवे पर, अपने पैन में या तवे में आप बना लीजिए। जब ऊपर हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसकी साइड आप कर दीजिए चेंज, और मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे सेकना है, ताकि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएंगे और बिल्कुल नान की तरह जो है ना ये फूल जाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से किसी भी चीज़ से आप प्रेस करते जाइए, प्रेस कर करके आप इसे जब पकाएंगे ना तो ये अच्छे से जो है फूल जाएंगे और अंदर तक से सिक भी जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपने लाजमी करना है, ताकि इस पे कलर जो है ना बड़ा खूबसूरत स्पॉट्स जो हैं वो इसके बड़े खूबसूरत आते हैं। देखिए दूसरे साइड से मैंने अच्छे तरीके से इसे सेक लिया है, दोनों साइड से इस तरीके से दबा दबा के आपने सेकना है, और आपका नान हो जाएगा रेडी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इनके ऊपर, और इसी तरीके से हम नान सेकते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना फूला फूला नान बन के रेडी हुआ है, और कितने खूबसूरत से इसके गोल्डन स्पॉट्स इस पे आए हैं ये देखिए। इसी तरीके से आप सारे ने ही नान बना लीजिए, माशाल्लाह से कितने फूले फूले से नान बने हैं। बाहर भी इस तरीके के नान आपको नहीं बने मिलेंगे जिस तरीके से आप घर में बनाएंगे, और ये देखिए इनका लुक कितना खूबसूरत आया है, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ये नान बनके रेडी हुए थे। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। इसी तरीके से आप सारे ही नान बना के रेडी कर लीजिए, देखिए कितने सॉफ्ट और बहुत ही, ये देखिए मैं आप लोग इस तरीके से भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसी तरीके से आप सारे नान बना लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम इस पर लगाने के लिए बनाएंगे गार्लिक बटर गार्लिक, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। नान गार्लिक के बगैर तो अधूरे हैं, उससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और लुक भी बड़ा अच्छा सा आता है शाइन सा। देखिए एक अलग सेपरेट पैन में मैंने ले लिया है 2 से 3 खाने के चमचे बटर, और इसको हम कर लेंगे मेल्ट। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, आपके जो नान है ना वो मज़ीद मज़ेदार से हो जाएंगे, और लुक भी इनका बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच गार्लिक, लहसुन को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। अब इसको लहसुन को हम फ्राई करेंगे बटर के अंदर, इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन होता है ना तेज़पन वो ख़त्म हो जाए, लेकिन लहसुन पर जो ये कलर नहीं आए और ना ही ये गोल्डन हो, ना ही इसको आपने जलाना है, बस इतना आपने कुक करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है वो ये गार्लिक हमारा कुक हो जाएगा बटर के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। तो इसके बाद हम आधी गड्डी के बराबर डाल देंगे धनिया।
धनिया डालते ही आपने चूल्हा जो है वो ऑफ कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देना है, ताकि हमारा धनिया का कलर भी चेंज नहीं हो और धनिया हमारा जल नहीं जाए। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, फ़ौरन से आपने कर देना है फ्लेम को ऑफ और इसको लगा देना है सारे ही नान के ऊपर, जिससे इसका टेस्ट इतना कोई मज़ेदार सा हो जाएगा कि आप लोग बना के ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी मेरे कहने से एक मरतबा ज़रूर बनाइए, क्योंकि इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग पराठे बनाते हैं वो आप बहुत डीप फ्राई कर लेते हैं ऑयल डाल डाल के, बहुत अनहेल्दी होते हैं, तो ये हेल्दी सी रेसिपी बनाइए, मज़ेदार भी होगी हेल्दी भी होगी। तो ये देखिए सारे ही नान पे हम इसी तरीके से गार्लिक को जो ब्रश कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे सलाद और लाल चटनी और रायते के साथ, और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट लगेगा चटनी रायते के साथ। और लुक देखिए इसका कितना खूबसूरत आया है, झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी बनके और इतनी कोई ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी कि आप गर्मी का मौसम है ज़्यादा कुछ बनाना नहीं चाहते हैवी, तो आप ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो गार्लिक नान जो है वो बन के रेडी हैं झटपट से, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितने ही सॉफ्ट, अभी तक सॉफ्ट हैं ये। और ये देखिए इसी तरीके के आपके भी बनेंगे अगर आप ये रेसिपी सेम फॉलो करेंगे, और टेस्ट में तो ये इतने कोई मज़ेदार से हैं कि आप लोग लाजमी एक मरतबा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच। आज हमारे किचन में बन रही है बेसन की रोटी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, स्पेशली बरसात में ये बनाई जाती है, बहुत ही सूंदी सूंदी मज़ेदार सी बनती है और जल्दी से बन के रेडी हो जाती है, और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी आसान सी रेसिपी, और बस बरसात स्पेशल आजकल बरसात का मौसम है तो ये रोटी ज़्यादातर बरसात में ही बनाई जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 4 लहसुन के जवे, चटनी हम बनाएंगे उसके लिए, और साथ ही हम ले लेंगे 4 छोटे साइज़ के टमाटर, बड़े होंगे तो आप 2 ले लीजिएगा। इसको हमने करना है ग्राइंड, इसके बस बीच में से मैंने 2 पीस कर लिए थे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, लहसुन के जवे और टमाटर को हम कर लेंगे ग्राइंड। हम बनाएंगे लहसुन ज़ीरे की चटनी, तो उसमें हम टमाटर भी थोड़े से ऐड करेंगे ताकि बड़े मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के रेडी हो। तो ये देखिए टमाटर हमारे ग्राइंड होकर आ गए हैं, टमाटर और लहसुन दोनों चीज़ें, अब ये रख देंगे हम साइड में। फिर हम बना लेते हैं आटा, आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप बेसन। बेसन की रोटी बना रहे हैं तो बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और साथ ही 1 कप ले लेंगे हम नॉर्मल आटा, जो घर में रोटी पकाने के लिए आता है कोई भी आए आपके पास, चक्की का हो या फाइन हो कोई भी। अब डाल देंगे आधा खाने का चम्मच डाल देंगे हम नमक, 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, और धनिया ले लेंगे ये भी कुटे हुए हैं घर के कुटे हुए फ्रेश, तो ये भी ले लेंगे 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून के बराबर डाल देंगे अजवाइन, साथ ही हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून के बराबर ही ले लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, और हरी मिर्चें मैंने 1 से 2 बारीक सी चॉप करके डाल दीजिएगा, और साथ में 1 से 2 डाल दीजिएगा लहसुन के जवे, इसको भी चॉप कर लीजिएगा। हरा धनिया ढेर सारा डाल देंगे हम हरा धनिया, और 2 खाने के चमचे हम ऐड कर देंगे इसमें घी, मक्खन या ऑयल कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, उसको हम पहले ड्राई ही मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने घी डाला है ना उसको देसी घी डाला है मैंने, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप पानी के साथ हम नॉर्मल सा आटा गूंद लेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम सारे ही आटे को गूंद लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ये थोड़ा स्टिकी सा होता है क्योंकि इसमें बेसन होता है ना, तो ये हाथों को थोड़ा चिपकेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से नॉर्मल सा आटा गूंद लीजिए। शाम की चाय के साथ भी ये आप बेसन की रोटी ले सकते हैं या दोपहर में ले सकते हैं, बरसात में बड़े मज़ेदार सी लगती है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए सारा ही आटा हमारा सिमट गया था, और इस तरीके से हम इसको 1 से 2 मरतबा मुक्की लगा के इसको सिमट के रख देंगे, उसके ऊपर से हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ऊपर की जो लेयर्स है ना वो ड्राई नहीं हो, ऑयल लगा लीजिएगा। पानी इसको रख देंगे हम रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट तक, जब तक हम अपनी चटनी रेडी कर लेते हैं। हम लहसुन ज़ीरे की चटनी बनाएंगे तो हम फ्राई वाली चटनी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, उसके अंदर
एक खाने का चम्मच डाल देंगे हम लहसुन को चॉप करके। लहसुन की चटनी बन रही है तो लहसुन का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा। जब ये हल्का सा सॉफ्ट होने लग जाए तब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। बड़े मज़ेदार सी चटनी बन के रेडी होती है। तो ये देखिए, एक चाय का चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच डाल देंगे नमक, और एक चाय का चम्मच ही डाल देंगे हम ज़ीरा कुटा हुआ, ले लीजिएगा। इसको हम फ्राई कर लेंगे। पहले ही हम 3 से 5 मिनट के लिए हम मिर्चों को और ज़ीरा वगैरह को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर जो हमने पेस्ट बना के रखा था, जो आप लोग ने पहले ही बना लिया था। तो ये देखिए, टमाटर डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जब इसमें इतना भुनाई करना है कि इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाए, टमाटर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से भुनाई करते जाइए। और ये देखिए, 10 मिनट तकरीबन हो गए थे मुझे भुनाई करते हुए, ऑयल देखिए सेपरेट हो गया है। तो आपकी चटनी जो है बिल्कुल हो गई है रेडी, मज़ेदार सी। इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में सेपरेट। तो ये देखिए, कितने खूबसूरत से कलर के साथ हमारी मज़ेदार सी चटनी हो गई है रेडी। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जितना खाते हैं वो आप डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी लगती है बेसन की रोटी के साथ, या वैसे भी आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसका लुक कितना खूबसूरत सा आया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये चटनी। तो ये देखिए, इतनी देर में हमारा जो आटा था ना वो भी रेस्ट हो गया है, 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। 3 कप समझ लीजिए ये आटा है, तो इसके अंदर 6 आपकी रोटियां बनके रेडी होंगी नॉर्मल साइज़ की। ये इसकी रोटियां जो है ना वो छोटी छोटी सी बनती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नॉर्मल रोटी की तरह नहीं बनती, वरना ये फट जाएगी, क्योंकि इसमें बेसन है ना तो ये बहुत सॉफ्ट आटा होता है। तो ये देखिए, नॉर्मल से पेड़े बना लीजिए इस तरीके से। देखिए, मैं पेड़े का साइज़ आपको दिखा देती हूँ। इतने साइज़ के आप 6 पेड़े बना लीजिएगा, पूरे 6 पेड़े बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए, लास्ट पेड़ अभी हमारा बन रहा है, और ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही पेड़े बन के हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इनको बेल लेंगे। तो ये देखिए, पूरे 6 पेड़े बने हैं। थोड़ी सी हम खुश्की डालेंगे, उसके ऊपर हम डाल रख देंगे अपना पेड़ा। इसको हम नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन रोटी के साइज़ से हम छोटा बेलेंगे, क्योंकि ये फट जाती है। तो ये देखिए, छोटे साइज़ की हम रोटी बेल लेंगे गोल में। 2 तरीके के आपको रोटी बना के दिखाऊंगी, एक में पराठा बनाऊंगी और एक में बनाऊंगी रोटी। जो आप लोग खाते हैं वो आप लोग बना सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर रोटी खाई जाती है, उस पर घी लगा के मैं रोटी भी बनाना बता दूंगी आप लोगों को, और पराठा भी। तो ये देखिए, पहले हमने तवे पे जो है ऑयलिंग थोड़ी सी कर ली थी, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, उसके ऊपर हम डाल देंगे अपनी रोटी जो हमने बनाई है। इसकी साइड जो है चेंज कर लेंगे जब एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएगी, और इसके अंदर ऑयल जो है ऑलरेडी पहले ही मैंने ऐड कर दिया था। अब इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो है पराठा बन के रेडी हो जाएगा। ऑयल डालने के बाद हम उस पर रोटी आप डालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पराठा। अगर आप लोग बेसन के पराठे खाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लीजिए। तो ये देखिए, खूबसूरत से कलर के साथ। और अगर रोटी खाना चाहते हैं तो ये दूसरा स्टेप है रोटी का। देखिए, नॉर्मल रोटी बेलने के बाद आप तवे पे डालिए, उसके बाद इसकी साइड कर दीजिए चेंज। हमने इसमें ऑयल पहले नहीं ऐड किया है, पराठे में हम ऑयल ऐड करेंगे और रोटी हम बिल्कुल सादे तरीके से सेकेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कोई भी साफ़ कपड़ा ले लीजिए और इसको दबा दबा के प्रेस कर करके इसको रोटी को जो है आप कुक कर लीजिए, अच्छे से अंदर तक से सिक जाती है। तो पहले ज़माने में इसी तरीके से रोटी सेकी जाती थी, और ये रोटी बहुत स्लो फ्लेम पे सेकी जाती है ताकि ये अंदर तक से सिक जाए, और बहुत ही सोंधी सी खुशबू आती है जब ये रोटी सिक रही होती है। तो टॉवल या कोई भी चीज़ आप साफ़ सुथरी लीजिएगा, उस तरीके से रोटी सेक लीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी रोटी भी बन गई है और हमारा पराठा भी, दोनों चीज़ें बना के दिखाती। पराठा हमने पहले ही ऑयल से सेक लिया था, लेकिन रोटी पे जो है हम देसी घी लगाएंगे, या बटर भी लगा सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बेसन की रोटी जो है वो बनके तैयार हो गई है, और बहुत सॉफ्ट रहती है रोटी। ज़्यादातर रोटी बनाएंगे ना आप तो उसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आएगा, पराठा इतना मज़ेदार नहीं बनता। उसको हम सर्व करेंगे
प्याज के लच्छों के साथ, चटनी के साथ और अचार के साथ, जिस चीज़ से आप खाना चाहते हैं उस वो चीज़ आप बना लीजिए। आप रायता भी बना सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, खूबसूरत से लुक के साथ हमारी बेसन की रोटी हो गई है रेडी बरसात स्पेशल। तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। देखिए बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत से लुक के साथ हमारी रोटी और लहसुन ज़ीरे की चटनी बनकर रेडी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़।